नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ में एक निजी जगह में वैश्य समाज के सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए, जहां वो विपक्षियों पर जमकर बरसे। वही कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कैबिनेट मंत्री व सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उन्हें सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है और योगी सरकार व मोदी सरकार प्रदेश व प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं वो कार्य कोई अन्य सरकार अपने कई बार शासन में नहीं कर पाई है। खबर चंदौली से। यूपी विधानसभा 2022 में आखिरी चरण में 10 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया। जिलाधिकारी संजीव सिंह और पुलिस अधीक्षक ने जनपद में सभी थाना अध्यक्षों को सीओ और उड़ाका दल के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट समीक्षा में बैठक की। इस दौरान चुनाव के दिशा निर्देशों के बारे में डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को बताया और निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता का हर हाल में कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया। साथ ही जनपद में सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों, जो सीओ हैं, एसडीएम्स की एक चुनाव तैयारियों संबंधी बैठक की गई। चूँकि जनपद चंदौली में 10 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो इसमें जो हमारी अभी तक की प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि उस पर सतर्क दृष्टि रखें। इसके अतिरिक्त जो अवैध शराब के व्यापार, निष्कर्षण या बिक्री में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित करें, अभिसूचना को और मजबूत करें ताकि इस पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त जो ढाबे हैं हमारे सड़क किनारे, चूँकि हाईवे से लगा हुआ है, हाईवे बीच से जाता है, तो जितने भी ढाबे हैं उन सभी की चेकिंग की जाए और उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को उत्तर प्रदेश जनरल एसोसिएशन की ओर से रायबरेली के हनुमान मंदिर प्रांगण में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व विधि और न्याय मंत्री गिरीश नारायण पांडे ने लता जी को जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जिस प्रकार देश में कोई दूसरा महात्मा गांधी नहीं पैदा हो सकता, उसी प्रकार अब देश में कोई दूसरा लता मंगेशकर नहीं पैदा हो सकती है। आज वह हमारे बीच में नहीं है, पर हम लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे। प्रतापगढ़ में सीएलपी नेता व रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा सरकार पर भी पलटवार किया। भाजपा सरकार पर भी पलटवार करते उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता अब की बार बदलाव चाहती है। इन्हीं मुद्दे को लेकर रामपुर खास आराधना मिश्रा मोना से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। मौसम के अनुसार लगातार राजनीति में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायक रामपुर खास की आराधना मिश्रा मोना जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है कांग्रेस पार्टी की मुहिम और रामपुर खास में अब की बार क्या है विकास का एजेंडा और किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे चुनाव। जी, आप प्राइम टीवी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे रामपुर खास की, आप विधायिका हैं तो क्या कुछ विकास का आपका मुहिम है, किन मुहिम के साथ आप लोगों के बीच में जा रही हैं? देखिए अनवरत, लगभग 42 वर्षों से पहले मेरे पिता ने और फिर जब से मैं विधायक बनी 2014 में, सतत विकास का प्रयास रहा है। जितनी भी योजनाएं हम ला सकते हो, चाहे आउट दीवानिया अदालत हो, ट्रॉमा सेंटर हो, महिला बाल चिकित्सालय हो, आईटीआई हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, एजुकेशन की फील्ड में जो भी योजनाएं हम ला सकते थे, पानी की टंकियाँ मैक्सिमम नंबर रामपुर खास में आई, सड़कों का एक लगा एक प्रयास किया है कि हर गांव को हम सड़क से जोड़ सकें, बेरोजगारी है, महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे मालूम है, भरोसा है मुझे कि रामपुर खास की जनता ने 42 वर्ष पहले मेरे पिता को फिर मुझे आशीर्वाद दिया है, तो अब की बार भी मुझे रामपुर खास की जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। एक नारा कांग्रेस पार्टी में बड़ा जोरों शोरों पर है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसका कितना असर, जमीनी असर पर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए ये नारा या ये 40% जो महिलाओं को टिकट दिए गए, ये कोई ओवरनाइट सोच नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष उन बेटियों का, जैसे उन्नाव की लड़की जिसने इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ झेला, रेप के होने के बावजूद भी सरकार उसको बचाती रही जो रेप का एक्यूज़ था,
और आज वो जेल में है। और जो भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग MLA था, हाथरस का कांड सबने देखा, इससे दुखद कोई और कांड नहीं हो सकता किस तरह से एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जान चली गई, उसके बाद भी उसके परिवार को अंत्येष्टि में जाने का भी मौका नहीं दिया। क्या लगता है आपकी भाजपा सरकार को राम मंदिर के नाम पर मत मिलेगा या फिर जनता जागरूक है या फिर कुछ और आपका कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल के दाम, दाल खाने का तेल और बिजली की दरें, मतलब तो आप जिस चीज़ का नाम ले ली, गैस सिलेंडर, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। महंगाई ने हर किसी को की कमर तोड़ दी, हर वर्ग के। दूसरा, यूथ के साथ जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी, पिछले 45 वर्षों में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं थी। और जब यूथ अपनी मांग लेकर के जाता है तो प्रयागराज का कांड हम सबने देखा, किस बर्बरता से नौजवानों को पीटा गया है। भाजपा प्रत्याशी लगातार ये आरोप लगाते हैं, अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए, कि हर बार बूथ कैप्चरिंग की जाती है, इस वजह से आप जीत जा पाती हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? वो अपने प्रत्येक भाषणों में ऐसे बात को चर्चा में लाते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए, रामपुर खास की जनता मत देती है, और जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, जिनको जनता पे विश्वास नहीं है, वही इस तरह का आरोप लगा सकते हैं। जिस तरीके से रामपुर खास में आपने 5 वर्ष विकास किया, जनता ने आप पर भरोसा किया, तो 5 वर्ष बाद कार्यकाल पूरा हुआ, पुनः आप प्रत्याशी के रूप में हैं, तो जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे और पुनः विधायक होने के बाद क्या कुछ नया करना चाहेंगे क्षेत्र में? देखिए, जनता नहीं है वो मेरे लिए, रामपुर खास मेरा परिवार है, वो घर के सदस्य हैं मेरे। और जिस तरह से घर को सजाया जाता है, वैसे मैंने कोशिश की है रामपुर खास को सजाने की, संवारने की, लगातार निरंतर मेरे पिता करते आए 37 वर्ष। अब मुझे मौका मिला तो मैंने किया है और मैं करती रहूँगी। एक हमारे दर्शकों के माध्यम से एक आखिरी क्वेश्चन, क्या अपील करना चाहती हैं आप रामपुर खास के क्षेत्रीय जनता से? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि रामपुर खास की जनता मेरा घर है, मेरा परिवार है, हमेशा इस परिवार ने एक सहयोगी साथी परिवार के सदस्य के रूप में मेरे परिवार को, मेरे पिता को, मुझे हमेशा सहयोग किया है। और मैं यही आशा करती हूँ, अगर मैंने ईमानदारी से रामपुर खास से मेहनत की है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि रामपुर खास की जनता का विश्वास, जो मैं अब देख रही हूँ, जिस तरह की ऊर्जा मैं नई देख रही हूँ, खासकर बेटियों में, महिलाओं में, नौजवानों में, जो हमेशा रही है पर अब की बार अति उत्साह है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद रामपुर खास की जनता का मिलेगा। तो धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए CLP नेता, रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा मोना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं, वहाँ के लोग हमारे लिए लोग नहीं, वो हमारे परिवार के जैसे हैं। उन्होंने तमाम कई ऐसे मुद्दों पर अपने शब्दों को रखा, जिन पर साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि रामपुर खास में अब की बार में प्रबल दावेदार हैं। अब देखना यह होगा कि जनता अब की बार किसे चुनती है पुनः अपनी मुखिया, अब की बार किसके सर सजेगा ताज। प्रतापगढ़ से प्रेम मिश्रा की रिपोर्ट। मौसम के संबल में 33 विधानसभा संबल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद ने कई गांव और शहर के मोहल्ले में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क कर लोगों से 14 फरवरी को होने वाले मतदान में बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। शहर से लेकर गांव तक जनता से मिल रहे अपार प्यार से बसपा प्रत्याशी गदगद है। जनसंपर्क के दौरान उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं जनसंपर्क के दौरान हाजी शकील सपा विधायक पर जमकर बरसे। जनता का फुल सहयोग मिल रहा है हमें, और जनता ऐसी मतलब क्लेश के बात कर रही है और ऐसी क्लेश रही है नेताओं से, और मेरे साथ आ रही है क्योंकि मेरे साथ एक तो मेरे अपने लोग हैं और एक उनके मुखालिफ हैं। डबल इंशाल्लाह मेरे साथ सपोर्टिस्ट हैं। संबल के अंदर दोनों जितने वोट लेंगे ना, BJP और समाजवादी पार्टी, दो फूल तो खिलना ही नहीं संबल में। पंचर की मतलब जो है साइकिल में एक टायर में पंचर कर दिया देहात ने और एक ने कर दिया शहर ने, दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। हमारा दोनों से मुकाबला है एक साथ में, जितने वोट दोनों कैंडिडेटों को मिलेंगे इतना अकेला लूंगा इंशाल्लाह मैं। आप बांदा में रेलवे अंडरब्रिज धंसने से आगमन बाधित हुआ। आगमन बाधित होने से 6 से अधिक ट्रेनें पटरी पर ही खड़ी रही। कहा गया है कि 24 घंटे से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है, पर अचानक रेलवे ट्रैक बाधित होने से यात्री परेशान हो गए। वहीं सूचना पर DRM रेलवे सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने फौरन कार्यवाही शुरू कर दी। यहां दो तरीके की सिचुएशन है। ये खैराड़ा बांदा रूट है। यहाँ जो घटना हुई थी 452 की रिटेनिंग वाल गिर गई थी,
उसी के लिए रेलवे ने ये निर्णय लिया कि पूरी की पूरी अप्रोच अच्छे तरीके से जो सुगमता से बन सके सभी के ट्रैफिक के लिए, उस हिसाब से इसका काम चालू करवा दिया गया। चूँकि ये मिट्टी इस तरीके की है कि भुरभुरी मिट्टी है, जब भी इसमें से पानी सूखता है तो मिट्टी सूख के दरारें पड़ जाती है और भुरभुरी हो जाती है, और वो इसलिए हम लोगों ने क्या पूरा प्रोटेक्शन कंप्लीट कर रखा है, रेल वगैरह सब लगा रखी है। कल तक कहीं कोई समस्या नहीं थी, हम लोग परसों यहाँ बॉक्स भी कास्ट करने वाले थे, देखें आज अचानक आधी मिट्टी नीचे से स्लिप हो गई, वो ऊपर का चूँकि हम लोगों ने पूरे रेल का क्लस्टर का जाल लगा रखा था, सावधानी लगाई, तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन हाँ, चूँकि कार्यस्थल की जो वास्तविकता है वो यही है कि इस मिट्टी में बिल्कुल जान नहीं। 6 ट्रेनें बाधित हुई थी जिसका हम लोगों ने फिटनेस करवा दिया है, ये ट्रेनें अब निकलना शुरू हो गई। वही अमेठी में गौरीगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पद चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी ने नामांकन किया। जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी ने कोविड-19 का पालन करते हुए नामांकन कराया। वहीं इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी के पूर्व विधायक तेज भान सिंह मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी के गौरीगंज विधानसभा से पहली बार प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी बनाया है। माननीय आदित्य योगीनाथ जी यहाँ की सांसद, जिन्होंने विकास ही एक इनका कार्य ही एक विकास का था। दीदी ने यहाँ पर अमेठी जनपद में जो विकास के अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो विकास के आयाम लाए, इस औद्योगिक कब्रिस्तान को दूर करने का काम किया जो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने इसको औद्योगिक कब्रिस्तान पूरे क्षेत्र को बना दिया था। आज ये कृषि विज्ञान केंद्र है, आज ये मेडिकल कॉलेज है, आज ये असॉल्ट राइफल है, आज ये सड़कों का ये आवागमन का साधन है। आज जो मूलभूत समस्याएं आम आदमी तक पहुंचने का कार्य है। बल होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ बाबा के हाथ स्वराज रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव आते ही जनपद के विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के विरोध दिखाई दे रहा है। कहा गया कि विकास की किरण न पहुंचने से ग्रामीण अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने लगे हैं। अमेठी में 3 गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई सालों से हमारे गाँव की सड़क बेहद खराब है। इसके बारे में कई बार नेताओं से बात भी की गई लेकिन सड़क नहीं बनी। अब जबकि चुनाव आ गया है हम सब ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में वोट न देने का निर्णय लिया है। कल भी हम जीते थे, वोट नहीं तो वोट नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। सभी प्रत्याशियों का हम विरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन हमारा इसीलिए है कि कई वर्षों से हम लोग सड़क से परेशान हैं, सड़क बन नहीं रही, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन जताए हैं। और जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे और वोट भी नहीं देने जाएंगे। जल्द हमारा बनाए रखता तो वोट दिया, नहीं तो वोट न दिया भाई। तो साल भर हो गई, 5 साल से किसान। हाँ तो साल भर नहीं गई, कैसा दिया? मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तब क्या करेंगे? तो ना दिया भाई वोट। वही मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके में घुरघू पट्टी मोहल्ले में उस समय लोगों की भीड़ लग गई जब गुड़गांव से आई महिला प्रोफेसर ने अपनी ससुराल के गेट पर बैठ गई। महिला प्रोफेसर ने अपील करते हुए कहा कि उसे कोई खर्चा और दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा केवल पति चाहिए। बता दें कि महिला अपनी शादी के 3rd वर्षगांठ पर फूलों का गुलदस्ता और मिठाई लेकर पहुंची थी, जिसे पुलिस थाना ले गई और उसके पति को बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उसके पति को बुलाया गया और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सिर्फ मैं 2-4 मिनट की बात करके मिठाई का डब्बा लेकर रेड रोजेस लेकर उसको बात करना चाहती थी बस। कितने घंटे से आप बैठी थी? मैं कम से कम सुबह 11 बजे से लेकर आज आप देख लीजिए
6:30 तब से खड़ी हूँ। ये सारे मिर्जापुर के आस पड़ोसी हैं, ठीक है, ये मदद करना चाहते हैं मेरी, क्योंकि इनके घरों में भी बहनें हैं, इनके घरों में भी बीवियां हैं, बहुएं हैं, बट मेरे सास का इतना इनके ऊपर दबाव है कि अगर तुमने इस लड़की की मदद करी मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस में डाल दूंगी, इस तरह से। क्योंकि मिर्जापुर के जो लोग हैं, जो मैंने करा, मैं बड़े शहर की हूँ, दिल्ली से हूँ, गुड़गांव से हूँ, और मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, मैं घर की बड़ी हूँ, और सिर्फ मेरी एक छोटी बहन। मिर्जापुर पुलिस से संतुष्ट हैं आप? मैं मिर्जापुर के चर्च में इन्होंने गुमराह करा कि डाइवोर्स का केस करके, उनके चर्च के पास्टर ने मेरी बहुत मदद करी। ये कोतवाली शहर में ये घुरहू पट्टी जगह है, यहाँ पर ये शिल्पा और एडगर फिलिप्स दो लोग जो है शादी किए थे, दो तीन साल पहले शादी किए थे आपस में, बट अभी इन लोगों के बीच में आपस में कुछ बात बन नहीं रही है, तो अभी इनके पति को बुला लिया गया है और इनको अभी बातचीत किया जा रहा है, जैसा होगा जो भी लीगल होगा वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये रहे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।